वक्त हम मौजूद हैं विदिशा के पाड़ वाले गणेश मंदिर में और आज यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी 3 बेटियों का कन्यादान करने वाले हैं, यानी कि आज का शादी समारोह जो है उसकी लगभग पूरी तैयारियां यहाँ हो चुकी हैं। कोरोना काल का असर जहाँ हर किसी की शादी में पड़ा, यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की खुद की बेटियों की शादी पर भी साफ देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि तीनों बेटियों के लिए मंडप जो है बिल्कुल सजकर तैयार है। आप तस्वीरें देख सकते हैं पीछे कि यहाँ पर मंडप जो है लगा दिया गया है, लाइन से 3 मंडप जो है लगाए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह आज यहाँ पर अपनी तीनों बेटियों का कन्यादान करेंगी। तो भी बता दें आपको कि इन तीनों बेटियों को जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह ने, जब शिवराज सिंह चौहान विदिशा के सांसद थे, 1999 में गोद लिया था और आज इतने सालों बाद जब वो बड़ी हो गई हैं, उनकी विदाई का वक्त आ गया है, तो आज यहाँ से सीएम शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह अपनी तीनों बेटियों को विदा करेंगे। तस्वीरों में नजर आ रही रौनक साफ बता रही है कि यहाँ शादी की तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह की व्यस्तता बता रही है कि आज मौका कुछ ज्यादा ही खास है। बिल्कुल, ये अवसर है सीएम शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह की लाडली 3 दत्तक बेटियों के विवाह का। और एक आम माता पिता की ही तरह इन दोनों के चेहरों पर व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी भी साफ झलक रही है। पिछले कई दिनों से चौहान दंपत्ति अपनी इन तीनों प्यारी बेटियों के विवाह की तैयारियों में जुटे थे। विदिशा के सुंदर सेवाश्रम में पली बढ़ी इन तीनों बेटियों के लिए योग्य वर की तलाश की गई और आज बेटियों का नया संसार बसने का ये खुशियों भरा पल आ ही गया। एक तरफ मन आनंद और प्रसन्नता से भरा है कि वो बेटियां जो छोटी छोटी हम लेके आए थे अब बड़ी हो गई, विवाह के बाद अपने पति के साथ रहेंगी, उसी ससुराल जाएंगी, लेकिन विदा करने का गम भी है, तकलीफ भी है। साधना ने बचपन से लेके आज तक उनका जीवन गढ़े इस बात का प्रयास किया, लेकिन पिता के नाते में भी अटैच रहा ही। आनंद और पीड़ा, दर्द दोनों। 1998 में जब शिवराज सिंह विदिशा सांसद थे, तब क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उन्हें इन लड़कियों के बारे में ग्रामीणों ने बताया, तो वो इन लड़कियों को अपने सुंदर सेवाश्रम ले आए और बेटियों की तरह इनका लालन पालन किया। सुंदर सेवाश्रम में कुल 7 बेटियां थी, जिनमें से 4 बेटियों की शादी सीएम शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह पहले ही धूमधाम से कर चुके हैं। तो यहाँ पे बारातियों का स्वागत जो किया जाता है वो यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कोरोना काल का असर जो है थोड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल साफ रहती हैं कि इस वक्त जो है जहाँ हम लोग कह सकते हैं कि आम इंसान के घर जब शादी होती है, तो कोरोना काल में हमने बहुत सी तस्वीरें ऐसी दिखी कि शादी में अड़चन जो है वो आती है, लेकिन ऐसे में जो है यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर में भी अब शादी है और आप देख सकते हैं पीछे स्टेज जो है लगभग पूरा बनके तैयार है और ऐसे में तो जो तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए, 3 लाइन से जो है यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर दुल्हन बैठते हैं वो लगाए गए हैं, सोफ़ा जो है लगा दिया गया है, गृहस्थ जीवन का जो सामान है पूरा वो यहाँ पर लगा दिया गया है, कुर्सियाँ जो है कम रखी गई हैं, संख्या जो है मेहमानों की वो कम रहेगी, लेकिन तैयारियाँ पूरी हैं और तैयारियों को देख के आप समझ सकते हैं कि कुछ ही देर में जो है वरमाला की रस्म जो है वो शुरू होगी, बारात जो है वो यहाँ पर लगेगी। तो तमाम तरह की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में अब जो है इंतज़ार जो है अब सीएम शिवराज सिंह चौहान को वो है फेरू कन्यादान का, कन्यादान वो करते हैं, उसके बाद बेटियों को विदा कर देंगे। तो ये वो बेटियाँ हैं जिन्हें उन्हें बचपन से लेकर अभी तक पाला पोसा है, लेकिन आज जो है ये बेटियाँ विदा होने जा रही हैं। अंकुश, गेट ऑफ खुला दीजिए, लाइफ ऑन है।
बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, यहाँ पर आपको जैसे हम तस्वीरें दिखाई कि यहाँ पर तमाम तैयारियाँ जो हैं वो हो चुकी हैं। एंट्री गेट जो है यहाँ पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है बारातियों का स्वागत करेंगे। जैसा कि आपको बताया हमने कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो वो हैं वो एक पिता के रूप में जो है बेटियों के यहाँ पर पूरी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो ऐसे में साधना सिंह जो है वो एक माँ की तरह यहाँ पर तमाम जिम्मेदारियाँ हैं वो निभा रही हैं। और ऐसे में अब जो है यहाँ पर स्वागत जो है बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद करेंगे। और ऐसे में मुख्यमंत्री की तीन बेटियाँ यानी कि आज उनकी जो तीन बेटियाँ हैं वो आज विदा हो जाएंगी। तो उनके लिए जो तमाम तरह की कह सकते हैं कि तैयारियां और इंतजाम होते हैं वो सब चीज़ें जो हैं सीएम खुद अपने आप से यहां पर ध्यान दे रहे हैं इन सब चीज़ों का, और इन सभी चीज़ों को जो है वे खुद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह चौहान ने बताया कि 1999 में ये तीनों बेटियां बेसहारा मिली थी। तब विदिशा के तत्कालीन सांसद और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रीति, राधा और सुमन नाम की तीनों बेटियों की परवरिश का जिम्मा लिया था। इसके बाद इन्हें मुखर्जी नगर स्थित श्री सुंदर सेवा आश्रम में रखकर इनकी देखभाल की गई। इनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक का इंतजाम आश्रम की ओर से ही किया गया। और अब एक माँ की ही तरह साधना सिंह विवाह की हर रीति रिवाज और रस्मों को निभाती नजर आईं, चाहे हल्दी की रस्म हो या मेहंदी की। इन बेटियों की खुशी देख माँ साधना भी बेहद प्रफुल्लित नजर आई। तो हमारे साथ यहाँ पर साधना सिंह जी मौजूद हैं। मैम, आज आपके तीनों बेटों की शादी होने वाली है, तीनों विदा हो जाएंगी, कैसा शादी हो रही है? तीन बेटियों की शादी हो रही है, एक साथ तीन बार पुण्य मिलेगा? नहीं नहीं, पुण्य तो वैसे हमेशा ही मिला। मेरी सबसे पहले सोना की शादी हुई, फिर इनकी की हुई है, फिर मेरी रेखा की हुई है, भारती की हुई है, हमारे बेटे कमल की हुई थी, वीर सिंह की हुई थी, अब ये तीनों बेटियों की हो रही है। आज हमने खुद देखा है कि चार दिन से आप खुद ही पूरी व्यवस्थाओं में लगी हुई हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और अब विदा करने की जब बारी आ रही है तो एक माँ के दिल में क्या बीत रही है? देखो, बेटियां तो मेरे नजरों के सामने रहेगी तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस मुझे ये इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बेटियों को बहुत अच्छा घर मिला है और बहुत अच्छे पति मिले हैं जो हमारी बेटियों को बहुत अच्छे से अपने परिवार में रखेंगे। तीनों जमाइयों के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयारियाँ पूरी हैं? पूरी तैयारियाँ है। कोई संदेश यहाँ पर आप देना चाहेंगे अगर जनता को, समाज को, तो क्या देना चाहेंगे? मैंने कहा हर बेटी अपने घर में खुश रहे और अपने परिवार को लेकर के चले। यहाँ पर अपनी बेटियों को शिक्षा में क्या दिया आपने इतने परवरिश के? मैंने कहा अभी तक के जो मैंने तुम्हें बोला है आगे जाकर के तुम्हें एक नया परिवार मिलेगा जहाँ तुम्हारे माँ पिताजी होंगे, परिवार होगा, वहाँ जाके खुश रहना, उनका सम्मान करना और कोई शिकायत का मौका नहीं देना। मैम, तो ये भी हमारे साथ साधना सिंह चौहान जो कि आज अपनी तीन बेटियों की शादी जो है करने जा रही हैं। और ऐसे में अब जो है यहाँ पर तैयारियाँ जो है बारात आगमन की पूरी हो चुकी हैं। अपनी बेटियों के लिए जो है तमाम तरह की जो सारी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं और अब बस यही है, इंतज़ार है बारात आने का। और यहाँ पर साधना सिंह जी अपनी तीनों जमाइयों का जो है स्वागत करेंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जो है वो यहाँ पर तैयार है और उनकी विदाई के लिए जो है यहाँ पर सीएम भी तैयार हैं और साधना सिंह जी भी तैयार हैं। इन तीनों बेटियों की धर्म माता साधना सिंह ने बताया कि प्रीति और सुमन आपस में सगी बहनें हैं। 1999 में दोनों खजूरी गांव में लावारिस हालत में मिली थीं। इसी तरह राधा को सीहोर के बुदनी तहसील के खोवा नामक गांव से बेसहारा हालत में लाया गया था, तभी से तीनों की परवरिश की जा रही है। इससे पहले चार बेटियों की शादियां भी धूमधाम से हो चुकी हैं। तो आज से बरसों पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद हुआ करते थे तब उन्होंने जो है सात बेटियों को और दो बेटों को गोद लिया था। ना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ली बल्कि उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके लालन पोषण तक और सभी जितनी भी व्यवस्थाएं जो होती हैं एक बच्चे की कह सकते हैं परवरिश में, वो सभी व्यवस्थाएं उन्होंने की। एक जिम्मेदारी के साथ साथ एक कर्तव्य उन्होंने निभाया अपने बेटों और अपनी बेटियों को संस्कार और परवरिश देने का, और सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज उनकी तीनों बेटियां जो हैं, यानी कि इससे पहले ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं, इसके पहले भी वे अपनी चार बेटियों की शादी कर चुके हैं और एक बेटे की भी शादी हो चुकी है। इन सभी को जो है उन्होंने गोद लिया था और ये वो बच्चे हैं जो बेसहारा थे, जिनका कोई नहीं था। तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब वे विदिशा से सांसद हुआ करते थे तब उन्हें पता चला इन बेटियों के बारे में और उन्होंने इन्हें गोद ले लिया। और फिर अब जो है उनकी तीन बेटियां जो बची हैं उनकी शादी भी आज हो चुकी है, उनको विदाई जो उन्होंने दी है। तो साफ देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो हृदय में जो एक ममता, ये कह सकते हैं कि एक पिता के जो भाव होते हैं वो यहाँ पर देखने में, साधना सिंह चौहान जो है उनके मन में ममता का भाव देखने को मिला और इस पूरे शादी समारोह में जो है पूरी जिम्मेदारियाँ उन्होंने निभाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बेटियों की विदाई को लेकर पहले ही भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि कैसे इन बेटियों का मिलना एक संकल्प में बदल गया और कैसे शुरू हुई
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसके पहले भी जब मैं विधायक था तब हमने एक बेटी की शादी की थी, उसके भी माता पिता नहीं थे, जैत के पास बोरना गांव है, मेरे गांव के पास है। और उस बिटिया की शादी करके, विवाह करके मुझे असीम शांति मिली। तब से फिर मैंने सांसद रहते हुए बेटियों का विवाह शुरू किया, जो गरीब परिवारों से आती थी अपने मित्रों के साथ मिलके, तो विवाह का सिलसिला चल निकला। और ये चल रहा था 91, 92, 93, 94, ये चला लगातार जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तब तक। और मुख्यमंत्री बनते ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं कितने करूँगा, अकेले की तो क्षमताएँ सीमित है, मित्रों के साथ भी करेंगे तो हम 31 बच्चियों की करते थे, 35 बेटियों की शादी करते थे। उसी में से निकली थी फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कि सरकार विवाह करेगी। तो ये जो अंदर का भाव रहता है, जब मुझे लगा कि अब हम फैसला कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, तो फिर उसमें से बड़ी योजना बनी। और उसी में से फिर निकली लाडली लक्ष्मी योजना भी, क्योंकि बेटियों के साथ जो भेदभाव समाज में देखा वो भी दर्द पैदा करता था मन में, तो मन में लगा कि बेटी बोझ ना रहे, वरदान बन जाए। उसी दर्द में से लाडली लक्ष्मी जो योजना थी वो प्रारंभ हुई। इसके अलावा सीएम शिवराज ने इस विवाह समारोह के जरिए समाज को संदेश भी दिया कि ऐसी बेसहारा अनाथ बेटियों के जीवन में खुशियां भरने के लिए पूरे समाज को आगे आना होगा। ये किसी एक के वश की बात नहीं, इसीलिए जो समर्थ लोग हैं वो भी ऐसी बेटियों को सहारा देने के लिए आगे आए। जो भी समर्थ हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि जिनको आज सहारे की और सहयोग की जरूरत है उनकी तरफ वो हाथ उठाए। अगर हम एक एक दो दो बच्चों को भी जो समर्थ है साथ ले लें तो उनके कष्ट दूर हो जाएंगे, उनका प्रबंध भी सारा शिक्षा दीक्षा का होगा और उनको अच्छा और जिम्मेदार नागरिक हम बना पाएंगे। मैं अपील करता हूँ सारे समर्थ लोगों से कि वो अपने सामाजिक दायित्व का पालन करें और अपने जीवन को धन्य बनाए। तो आज चौहान परिवार में एक बार फिर शादी की खुशियां छाई हैं। बेटियों को विदाई में देने के लिए स्वयं साधना सिंह ने गृहस्थी के एक एक सामान की खरीदारी की ताकि इन बेसहारा बेटियों को किसी बात की कमी न खले। ये केवल उपहार नहीं है बल्कि ये प्यार है एक माँ का अपनी बेटियों के लिए। उधर पिता शिवराज भी पूरे आयोजन स्थल का कई कई बार निरीक्षण करते नजर आए ताकि बारातियों और मेहमानों के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। शादी की व्यस्तताओं के बीच सीएम शिवराज ने अपनी अर्धांगिनी के साथ दोपहर का भोजन किया तो दोनों की सहजता सादगी साफ नजर आई। तो शादियां तो आपने खूब देखी होंगी, उनका हिस्सा भी बने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनूठे विवाह में लेकर आए हैं क्योंकि आज यहाँ पर एक साथ तीन बेटियों की शादी होने वाली है और ये तीनों ही बेटियां बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि आज इनकी शादी में कन्यादान खुद प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान करने वाली हैं। तो तैयारियों का अगर जायजा लिया जाए यहाँ पर तो आप देख सकते हैं अपनी बेटियों को देने के लिए जो तो गृहस्थी जी का सामान होता है वो यहाँ पर सभी लेकर खुद साधना सिंह आई हैं। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान इन बेटियों के धर्मपिता हैं और बता दें आपको कि चौहान परिवार में एक बार फिर खुशियां छाई हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी बेटियों का कन्यादान करेंगे तो उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान अपनी बेटियों को गले लगाकर विदा करेंगी। तो आज की शादी जो है वो काफ़ी खास है क्योंकि आज एक साथ सीएम की तीन बेटियां विदा हो जाएंगी और इन्हें विदा करेंगी खुद साधना सिंह चौहान जिन्होंने बचपन से लेकर उन्हें पाला पोसा शिक्षित किया और आज वो दिन आ गया है जब खुद साधना सिंह अपनी बेटियों को विदा करेंगी। पिता शिवराज सिंह चौहान और माँ साधना सिंह के साथ इन लाडली बेटियों के दोनों भाई यानी कार्तिकेय चौहान और कुणाल चौहान भी शादी की तमाम तैयारियों में व्यस्त नजर आए। फिक्र यही कि सब कुछ अच्छे से संपन्न हो। आखिर बहन के विवाह में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भाई के कंधों पर ही तो होती है। बहन का नया घर बसने की खुशी भी थी तो बहनों से बिछड़ने का गम भी इनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। तो हमारे साथ यहाँ पर कार्तिक सिंह चौहान जी मौजूद हैं। आज सर आपके तीनों बहनों की जो है शादी होने जा रही है, विदाई हो जाएगी, कैसा लग रहा है? मन में
तीनों बहनों के लिए बहुत संतोष है कि नया जीवन वो शुरू करने जा रही हैं, लेकिन साथ में स्वाभाविक है कि जब इतने समय रहने के बाद जब कोई छोड़कर जाता है तो दुख होता ही है। आज दुख तो है, लेकिन शुभकामनाओं के अलावा और कोई भावना मेरे मन में नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो एक बेहतर जीवन दोनों दंपत्ति शुरू करें, वो खूब कामयाब हो, उनकी आने वाली पीढ़ी कामयाब हो, और सबसे बढ़कर अपने माता पिता का नाम और अपने भाई का नाम दुनिया में रोशन करने का वो काम। अगर यहाँ देखा जाए तो काफ़ी अच्छी पहल है कि एक जो बच्चे अनाथ हैं, आप बेसहारा हैं, उनको एक नया जीवन देने का, इसके लिए क्या संदेश है? निश्चित रूप से ऐसे कई लोग हैं जो सक्षम हैं, जिनके पास साधन है, जिनके पास अर्थ है, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने साधनों का उपयोग, क्योंकि केवल अपने लिए तो कीट पतंगे पशु पक्षी भी जीते हैं। आपके पास अगर भगवान ने साधन दिए हैं तो उसका उपयोग किसी बेसहारा के लिए करें। ये मैं अपनी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को, प्रत्येक मध्य प्रदेश भारत के जन को मैं संदेश देना चाहता हूँ। अपनी बहनों को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? आज उनकी विदाई हो जाएगी, क्या एक भाई के नाते क्या कहेंगे? मैं यही कह रूँगा, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, तुम खुश रहो, तुम सुखी रहो, तुम एक नया जीवन शुरू करने जा रही हो तीनों, इस नए जीवन के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तुम खूब आगे बढ़ो, दोनों दंपत्ति मिलकर खूब नाम कमाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने भाई का नाम रोशन करें, और अपने आने वाली पीढ़ियों को और सक्षम बनाएं। तो ये थे हमारे साथ कार्तिक सिंह चौहान जी, जिनकी तीनों बहनों का जो है आज विवाह होने जा रहा है, और ऐसे में आज विदाई के लिए कह सकते हैं कि भाई के दिल में जो होती है भावना, वो यहाँ पर कार्तिक सिंह चौहान के चेहरे पर साफ देखने को दिख रही है। शादी की इसी भाग दौड़ के बीच कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, और बारात के आगमन और स्वागत की तैयारियां शुरू हो गईं। एक आम पिता की ही तरह सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शादी हॉल के गेट पर बारात के स्वागत के लिए पहुंचे। साथ में कुणाल और कार्तिकेय भी थे। बैंड बाजे के साथ तीनों दूल्हों की बारात एक साथ मैरिज गार्डन पहुंची, जहां बारात का जोरदार स्वागत किया गया। तो यहां पर बारात जो है लग चुकी है, तीनों दूल्हे जो है शिवराज सिंह चौहान के, कह सकते हैं तीनों जमाई जो है यहां पर तैयार है, और ऐसे में आप देख सकते हैं घोड़ियां सज गई हैं। तीनों जो कह सकते हैं दूल्हे हैं आज के, वो सभी जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ बारात के लिए निकलने वाले हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, यहां पर उनकी घोड़ियां जो है सजा दिया गया है, दूल्हे घोड़ी पे सवार होकर अपनी दुल्हनों को लेने यहां से निकलने वाले हैं, और ऐसे में इनका स्वागत खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह करेंगी। अपने तीनों जमाइयों का स्वागत भी करेंगी ढोल दबा के, और यहां पर कि तमाम इंतजाम पूरे हो चुके हैं, और ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी तीनों जमाइयों का जो है यहां पर स्वागत करने के लिए बिल्कुल गेट पर तैयार है। साधना सिंह चौहान अपने तीनों जमाइयों को जो है यहां पर तिलक लगाकर उनकी आरती का आचरण उन्हें मंडप तक लेकर जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं यहां पर बारात जो है लग चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक हर्ष उल्लास जो होता है उसका माहौल यहां पर है, और ये जमाई जो है वो किसी और की नहीं बल्कि ये सीएम शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह, तीनों ये तीनों जमाई जो है साधना सिंह की जमाई है, और ऐसे में इनका स्वागत करने के लिए ये खुद गेट पर मौजूद रहने वाले हैं। कि यहाँ पर जमाइयों को लेकर जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं, जमाइयों का स्वागत कर रहे थे कुछ देर पहले। तो यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान देखिए, आप सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि सीएम खुद अपने जमाइयों को लेकर यहाँ पर आ गए हैं, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पूजा की तैयारियाँ जो हैं उनको यहाँ पर साधना सिंह जी जो है लगी हैं, लगातार देख रही हैं कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अपनी बेटियों को जो है मंडप तक साधना सिंह जी लेकर आई हैं, तो वहीं जमाइयों को जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर लेकर आए हैं। अपनी बेटियों के लिए जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं उन्होंने की हैं, उनका श्रृंगार जो से लेकर उनके जो कह सकते हैं गृहस्थी का सामान जो है वो साधना सिंह चौहान ने यहाँ पे खुद खरीदा है। द्वार चार और तमाम नेग निभाने के बाद सभी घराती और बराती मंडप में पहुँचे, जहाँ फेरों की रस्म निभाई जानी थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार के साथ लगन संस्कार शुरू कराया, और तीनों बेटियों के कन्यादान के लिए पिता शिवराज और माँ साधना भी मंडप में बैठे। एक एक कर तीनों बेटियों के कन्यादान की रस्म निभाई गई। इसके बाद भाई कार्तिकेय ने अपनी बहनों और बहनोइयों को भी कई उपहार और भेंट दी। इसके बाद फेरों की रस्म निभाई गई,
और फिर सिलसिला शुरू हुआ आशीर्वाद समारोह का, जहां पर सीएम शिवराज ने अपने पूरे परिवार के साथ तीनों बेटियों और अपने दामादों को आशीर्वाद प्रदान किया। प्रीति का विवाह रोहन से हुआ तो राधा का वर बना सोनू और सुमन की शादी प्रशांत से हुई। रोहन और सोनू नगर पालिका कर्मचारी हैं, वहीं प्रशांत निर्वाचन शाखा का कर्मचारी है। मुकुट बांधा जाता है वो यहाँ पर साधना सिंह चौहान जो अपनी बेटी के सर पर बांध रही हैं, और गोद में जो है पताशे और नारियल पान और साथ ही कुछ पैसे जो हैं वो रखे गए हैं। तो यहाँ पर रस्में जो हैं आप देख सकते हैं पूरी तरह से रस्में निभाई जा रही हैं। तो वो घड़ी भी आ गई जिसके साथ विवाह समारोह पूरा होता है। जी हाँ, बेटियों के विदाई की बेला आ चुकी थी और पिछले 22 वर्षों से जिन बेटियों को लाड़ प्यार से पाला, जिनकी हर खुशी का ख्याल रखा, उन बेटियों को विदा करना बड़ा भारी लग रहा था। माँ साधना की आंखों में आंसू छलक आए तो पिता शिवराज भी गमगीन हो गए। भाई कार्तिकेय और कुणाल तो पता नहीं कितनी बार अपने आंसू पोंछ चुके थे। तो सीएम शिवराज और साधना सिंह चौहान की तीनों बेटियों की विदाई के साथ जो है विवाह समारोह संपन्न हुआ, और ऐसे में इस विवाह समारोह में पूरी जिम्मेदारियां यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिता तो वहीं मां के रूप में साधना सिंह चौहान ने निभाई। लेकिन इस विवाह के जरिए एक संदेश पूरे समाज को उन्होंने दिया। संदेश ये कि अगर जो सक्षम है, अगर बेटियों को और बेसहारा बेटियों को जो है गोद ले लेता है या फिर अपना लेता है तो उनका जीवन जो है सफल हो जाता है। और ऐसे में आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह चौहान ने तमाम जिम्मेदारियां तो निभाई ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर जो है अपनी बेटियों को विदा करने का गम जो है साफ उनके चेहरे पर नजर आया। और एक और चीज़ है कि आज जितनी भी व्यवस्थाएं थी खुद उन्होंने अपने हाथों से की, और अब उनकी जो बेटियां जिन्हें उन्होंने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, आज वो यहां पर विदा हो रही हैं। एक शुभ विवाह संपन्न हुआ, लेकिन हमारी उम्मीद है कि अनाथ और बेसहारा बेटियों की बेरंग जिंदगी में खुशियों के रंग भरने का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सीएम शिवराज सिंह ने हमारे समाज को एक दिशा दिखाई है, उस दिशा में चलना हमारी भी जिम्मेदारी है। वाकई इस नेक पहल के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। वाकई में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपनी तीन बेटियों के लिए और अपने गोद लिए बच्चों के लिए जो जिम्मेदारियां हैं, जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है सीएम शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह के दिल में, वो यहाँ पर साफ एक प्रेम की भावना में देखने को मिलता है। उनकी विदाई तो हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो खालीपन है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हृदय में और साधना सिंह चौहान के हृदय में रहेगा, क्योंकि बेटी को विदा करने के बाद जो घर में खालीपन आता है, सुनापन आता है, वो यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। और इसका गम जो है साफ तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री और साधना सिंह के चेहरे पर देखने को मिला। लेकिन यही बात यानी कि अपने साथ जो है समाज को लेकर चलने की बात, महिलाओं के लिए बेटियों के लिए एक जो हृदय में प्रेम है, यही बात जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाकी राजनेताओं से अलग बनाती है। उनका जो अपनापन है, उनका एक अपना अलग अंदाज है, और यही अंदाज जो है उन्हें अलग बनाता है। तो आज इस शादी के जरिए संदेश तो दिया ही दिया, साथ ही अपनी तीनों बेटियों को प्रेम भाव से विदा भी किया। तो ये था पूरा शादी समारोह जहाँ पर हमने आपको बताया किस तरीके से मुख्यमंत्री और साधना सिंह चौहान जो हैं यहाँ पर माता पिता की भूमिका में पूरे शादी समारोह में व्यस्त नजर आए, तो साथ ही अपनी बेटियों को विदा करने के बाद उनके चेहरे पर गम की जो मायूसी है वो भी नजर आई। तो बाड़ वाले गणेश से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र यादव के साथ मैं अनन्या चतुर्वेदी, विदिशा।